अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज हो रहा है, तो जो सबसे पहले तो मेरी ये बात सुन लीजिए, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ खास, जो मेरे लिए खास है। आपका तो नहीं पता किसको अच्छा लगता है और किसको नहीं। वैसे तो मैंने आज कुछ बनाया है, आपने देखना है जी। मैंने आज बनाए हैं गोले, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आए पहले तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ फ्रीजर के अंदर। इधर तो नहीं है, इधर नहीं रखे हुए। और आपको अब दिखाती हूँ, मेरी किस्मत ही बुरी है, मैंने बनाए हैं तो लाइट ही चली गई है। आपको जी इधर दिखाती हूँ, यहाँ पर पड़े हुए हैं। पहले तो मैंने कहा दो तीन कलर की बनाती हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी खा लेने हैं, ख़त्म हो जाने हैं। तो ये तो काफ़ी सारे थे, मैं तो खा कर ख़त्म ही कर गई हूँ। हर दो मिनट बाद मैं आती हूँ और इधर से ठंडा पानी लेकर दे। वैसे तो फीका पानी ठंडा पीती हूँ, मगर यहाँ पर मीठा भी था तो मैंने कहा ज़्यादा अच्छा है, तो आती हूँ सारा पी जाती हूँ। मुझे लगता है लाइट आने तक ना मैंने सारे गोले खा जाने हैं, तो एक भी नहीं बचेगा, खाली शापर ही पकते रहेंगे। बनाए तो बहन भाइयों के लिए हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उनको नसीब होने दूंगी। अब आप लोग ना लाइट को कहें कि वो जल्दी से आ जाए, वरना मैं सारे गोले खा जाऊंगी, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फिर बनाने का, और आइंदा मुझे बनाने भी नहीं देंगे। अब तो लाइट चली गई है, जब लाइट आएगी तो देखते हैं जी गोले कितने बचे हुए हैं, तो आप सबको मैं दिखाऊंगी जिसको अच्छे लगते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को गर्मियों में अच्छे लगते हैं, मैं तो बस कहती हूँ सर्दियों के 6 महीने बाद ही बर्फ़ खाना शुरू कर दो। मैं हमारे घर में इतने लोग नहीं, सारे कहते हैं कि मत खाओ, गर्मियों में भी मुझे कहते हैं नहीं खाओ, मगर मैं तो सर्दियों में भी उसको नहीं छोड़ती। तो उधर देखें जहांगीर शम्स के काम देखें ज़रा, अरे नहीं करो अकेली, मैं तो नहीं, ये जहांगीर शख्स भी बहुत शैतान है, वो भी लगता है सारे खा जाएंगे मेरे साथ साथ जी। लाइट आएगी तो आपको दिखाऊंगी कितने गोले बचे हैं, जिनका नसीब होगा वही वाले बच्चे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और खा सकेगा मेरे।